आनंद सिंह जी, अभी आपके घर पे छापेमारी हुई है और वहाँ AK-47 मिलने की बात आई है सामने। 4 बजे छापामारी 4 बजे शुरू हुआ। हम ग्रामीण SP साहब के लगाए, सीनियर SP साहब के लगाए, ये सब के हम देख लेते हैं। और उसके बाद 14 साल से हम घर नहीं गए हैं, हमारे विरोधी के घर सट्टल है। 14 साल से AK-47 हम रख लेते तो उन्हें को जाना, आज जानेगी। तो क्या ये AK-47 आपका है जो वहाँ से बरामद हुआ है? थाना से उठा के ले गए हैं। पुलिस का कहना है कि वहाँ बरामद हुआ है। तो पुलिस का क्या कहना रहा, जिसको फंसाना क्या कहेंगे कि हम थाना से जाकर दिखाए हैं? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? एकदम सरासरी विरोध करता है सरकार हमको। नीतीश जी से समझ लेंगे, मिलने के लिए जाएंगे कि हमको काहे से सताया जा रहा है, बहुत अभी तो इलेक्शन लड़ता है। अभी भी छापेमारी चल रही है वहाँ पे? हाँ, अभी चल रहा है कि देखो बम मिला है, अगर जांच नाटके जब करना है, यहाँ से जांच जा रहा है उसको जांच करने के लिए, जब नाटक करना है जितना नाटक बना ले सरकार है। RPC सिंह के बेटी हैं, ललन सिंह खुल के मन से कहते हैं कि हम हेमोपैथी के इलाज करते हैं, हेमोपैथी के इलाज हमारा पर कर रहे हैं। लिपि सिंह की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है हम? नहीं, हम तो इलेक्शन में भी खिलाफ बोले थे तो उनको बदली हुआ, अब फिर उनको टाइम भी पुड़ गया तो बाहर से हटाया जा रहा है। ललन सिंह जब तक समाप्त नहीं कर दे तब तक RPC सिंह लदमा में बाढ़ में रहेगा। अब क्या होगा, क्योंकि AK-47 बरामद हुआ है, पुलिस पूछताछ क्या होगा, पूछताछ भी कर सकती है आपसे? हाँ, पूछताछ करेगा, हम बैठे हैं पूछताछ ले, सरासरी नजायज है, हमारे साथ जुलूम हो रहा है, केस पर केस, केस पर केस, केस पर केस, झूठ होते जाता है। तब अभी दिखाया गया AK-47 है तो झूठ किसे होगा भाई, घरे में मिला। कोई सर्च वारंट वगैरह मिला था आपको? कुछ नहीं, न कुर्ती का न जब्ती का कोई चीज नहीं मिला है हमारा। उनको जब सूचने मिल गया था कि AK-47 है तो काहे ने पत्रकार को ले गए, काहे ने हमको बुला लिए, काहे ने किसी को ले गए? सब दिन जाते हैं सब लोग पत्रकार के लेकर फोटो खींच ले चलते हैं, हमारा ही जाते हैं पत्रकार के बाढ़ेपुर के रोक देते हैं, घर जाइयो नहीं देते हैं लदमा।